तो दोस्तों ये जो मशीन दिख रही है ना, ये जो है डीजल से चलती है और ये वाइब्रेटर मशीन तोड़ने काम करती है। और ये मसाला आ गया है जो कि रोली मिल के फर्नेस के अंदर लगेगा, ठीक ना। रोली मिल का फर्नेस टूट गया है, ये पूरे पूरा मसाला ही है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो इधर दिख रहा है ये ब्रिक्स है, ठीक है, ये साइडों में लगता है ब्रिक्स, ये वो है। तो चलिए अब रोली मिल का जो फर्नेस टूटा हुआ है उसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो आप लोग यहाँ से देखिए, फर्नेस पूरा टूट गया है। अभी उसको तोड़ के ऐसे जो है स्टेनलेस स्टील का सरिया जो है ज्वाइंट करके बनाया गया है, और इसके ऊपर वही मसाला जो आपको दिखाया है उस पर ढलाई किया जाएगा, ठीक है। अंदर में अंधेरा रहता है दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होता है, तो क्लियरिटी जो भी है ऐसा ही है। ये पूरा तोड़ के और स्टेनलेस स्टील के सरिया से जो है करके आइसके फिर ढलाई किया जाएगा उसी मसाले से, ठीक है। तो आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सऊदी अरब में अगर आप लोग हैं तो आप लोग को मोबाइल ऐप की भी जानकारी मेरे चैनल पे मिलती रहती है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर फर्नेस का सीन। और फिर ये जब ढलाई हो जाएगी तब इसको हीट करके फिर से इसमें बिलेट जो है डाल के चार्ज किया जाएगा और फिर से रोली मिल का काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए अंदर का सीन पूरे तरीके से। अगर रोली मिल में भाई लोग आप लोग काम किए हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। यही है, सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ कि कैसे यहाँ पर तोड़ के जो है रिपेयरिंग किया जाता है। तो ये मसाला का नाम है SRI, ठीक है, RPC 85।